हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी दोस्तों? डोगर की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं कि आपका ये साल बहुत अच्छे से बीते। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि न्यू पपी की केयर कैसे करें, उसकी वैक्सीनेशन, उसकी डीवर्मिंग और उसकी फीडिंग के बारे में। दोस्तों, मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं कि हम मतलब पपी जो लेके हैं उसकी फीडिंग कैसे करें, मतलब उसे फीड कौन सा दें, उसकी वैक्सीनेशन कब करें, डीवर्मिंग करें तो कब करें, कैसे करें। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी पर्सन के लिए है, मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने नया पपी अडॉप्ट किया है, मीन परचेज़ किया है, या वो नया पपी लेने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को पूरा देखें, अधूरी जानकारी ना लें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक मेरा हौसला कई गुना बढ़ा देता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं नए नए टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को ये साफ कर देना चाहूँगा कि जब कभी भी आप पपी परचेज़ करें तो उसकी एज मिनिमम 2 मंथ्स हो, मतलब 2 महीने से कम का बच्चा अडॉप्ट या परचेज़ ना करें। कोशिश करें कि 2 महीने से ऊपर की ही एज हो। दोस्तों, जब आप पपी परचेज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि पपी पूरा हेल्दी हो और एक्टिव हो, मतलब कमज़ोर या बीमार बच्चा ना लें। आप ये देख लें कि वो अच्छे से खेल कूद रहा है, खा पी रहा है, ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी बातें हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हम किसी तरह से 2 महीने का बच्चा हमें नहीं मिला या किसी कारण से हम नहीं ले पाए, तो उसकी हम केयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन केस कि हम 1-1.5 महीने का बच्चा अपने घर ले आए हैं, तो उसकी वैक्सीनेशन के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारा कि पहला टॉपिक है कि डॉग की वैक्सीनेशन। दोस्तों, डॉग की वैक्सीनेशन एक्चुअली जो शेड्यूल होता है वो 40-45 डेज के अंदर लग जानी चाहिए। इन केस कि उसकी वैक्सीनेशन 2-4 दिन ऊपर नीचे अगर किसी कारण से हो गई है तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करें कि 40-45 दिन के अंदर उसे लगवा लें। वैसे दोस्तों, काफ़ी सारी वैक्सीन आती हैं, बट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा नोवावैक की वैक्सीन आती है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी रहती है। दोस्तों, मैं जो यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो एक्चुअली रिकमेंड वो मैं कर रहा हूँ जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप अपने वेट के हिसाब से, उसके एडवाइस से वैक्सीन का जो कंपनी है उसे चेंज कर सकते हैं, जो आपका वेट एडवाइस करे, बट मैं आपको पर्सनली नोवावैक की ही एडवाइस करूँगा। तो दोस्तों, वो 40-45 डेज के अंदर जो एक इंजेक्शन लगता है, 7-in-1, 9-in-1, 8-in-1, 5-in-1, वो अलग अलग जो है वो आपका वेट बेहतर आपको जब वैक्सीनेशन करेगा डॉग को तो वो बेहतर बता पाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की, तो जो डॉग की पहली वैक्सीन लगती है वो उसकी जब एज 40-45 डेज होती है, मतलब वो जब 40-45 दिन का हो जाता है जब उसका पहला वैक्सीनेशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो आपका वेट है वो उसे 40-45 डेज के अंदर वैक्सीन लगा देता है। मतलब अगर आपने अपने डॉग को 40 दिन का जब वो एज है, जब आपने वैक्सीन दी है, तो आपका डॉक्टर जो अगली वैक्सीन लगाएगा वो लगाएगा 20 या 21 दिन, मतलब ज़्यादातर डॉक्टर ऐसे ही एडवाइज़ करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, या तो 20 दिन में या 21वें दिन में। मतलब आपने पहला वैक्सीन जो डॉग की एज थी वो 40 दिन की एज में लगवाया, जो अगला जो वैक्सीन लगेगा दोस्तों वो लगेगा 60 या 61 दिन की एज में, जब आपका डॉग अराउंड फुल 2 मंथ का हो जाएगा, 60 या 61 दिन में आपका वैक्सीन लगेगा। दोस्तों, ये बात ध्यान रखें कि डॉग कि वैक्सीन को आप ऐसा ना करें कि वो 25 दिन पे लगा रहे हैं, कोई 23 दिन में लगा रहे हैं। दोस्तों, जो आपका वेट होगा वो एक्चुअली आपको एक वैक्सीनेशन का कार्ड इशू करेगा, आपको एक कार्ड बना के देगा जिसमें आपने जो वैक्सीनेशन डॉग को लगवाई है, मतलब जो आपके वेट ने डॉग को वैक्सीन दी है उसकी डिटेल, जो नेक्स्ट डॉग को वैक्सीन लगने वाली है उसकी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होती हैं। तो कृपया जो डॉग आपको, जो आपका वेट आपको दे रहा है लिख के, तो कृपया उसी टाइम पे डॉग को वैक्सीन दें। इसके बाद जो अगली वैक्सीन है, अगला जो शेड्यूल है, वो आपको जो वैक्सीनेशन कार्ड है उस पर आपको नोट डाउन मिल जाएगी कि अगला वैक्सीन डॉग को कब लगना है। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं सावधानी के बारे में। दोस्तों, जो सावधानी है वो वैक्सीनेशन में हमें ये रखनी है कि कभी भी हम अगर वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो एक अच्छे वेट से कराएँ, किसी ऐसे वेट से ना कराएँ जो आपको लिख के दे और आप फिर वो मेडिकल स्टोर से लेके आएँ।
दोस्तों मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ऐसे अच्छे वेट से कराएं जो आपको खुद अपने पास से वैक्सीन लगाएं। दोस्तों ये मैं इसलिए कहूँगा कि आप मेडिकल स्टोर वगैरह से जहाँ पे आप डॉग की वैक्सीन लगवाते हैं किसी स्टोर से लेकर के, उसका कारण ये है दोस्तों कि मेरे पास ऐसे ही भी कॉल आते हैं कि हमने वैक्सीनेशन डॉग को दी बट उसे फिर भी प्रॉब्लम हो गई, जैसे वायरस आता है डॉग को, लगता है कैनाइन पार्वो वायरस, जो वो वोमिट करता है और मतलब ब्लड डिस्चार्ज करता है, मतलब उसकी जो स्टूल पास करता है उसके अंदर ब्लड रहता है, काफ़ी स्मेल रहती है, तो उसको पार्वोवायरस बोलते हैं। वो वैक्सीनेशन ना लगने के कारण, या वैक्सीनेशन मतलब जो गलत लग जाती है, मतलब जो नकली वैक्सीनेशन बोलूँगा उसे मैं, वो उस कारण होता है। तो दोस्तों ऐसे इस फ्रॉड से बचें, अच्छे वेट से ही वैक्सीन करवाएं। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन वैक्सीनेशन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग मीन्स डॉग के कीड़ों की दवाई। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जैसे हमने अपने डॉग को घर में एक हफ्ते तक एडजस्ट होने दिया, मिनिमम 4 से 5 दिन तक उसे एडजस्ट होने दिया, दोस्तों मैं यहाँ पे बार बार 4-5 दिन मिनिमम 1 वीक डॉग को आपको बोल रहा हूँ कि एडजस्टमेंट होने देना है, उसे अलग से कोई फीडिंग नहीं देनी है, किसी प्रकार की वैक्सीनेशन नहीं देनी है, कोई डाइट प्लान चेंज नहीं करना है। दोस्तों इसका कारण है, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, कि जब भी हम नया पपी परचेज करते हैं, हम दोस्तों पपी जो होता है वो एक्चुअली एक घर से जब दूसरे घर में जाता है तो दोस्तों उसे शिफ्ट होने में टाइम लगता है। दोस्तों वो अपने नए घर में आया है, वो नए लोगों से मिलेगा, तो दोस्तों वो थोड़ा सा उसका जो माइंड है वो अपसेट रहता है। तो यही मेन कारण है कि हम डॉग को 4-5 दिन एडजस्ट होने देते हैं, अपने घर में एडजस्ट होने देंगे, अपने साथ पहचान पहचान बनाएंगे, डॉग को थोड़ा समझेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो वैक्सीनेशन हमारी या कोई भी हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं या डॉग को हम फीडिंग कर रहे हैं, डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, जब तक डॉग आपके साथ घुल मिल नहीं जाएगा, मतलब वो माइंड से फ्रेश नहीं होगा जब तक उसे वो काम नहीं। दोस्तों बात करें डिवॉर्मर की, तो दोस्तों काफ़ी मार्केट के अंदर जो अलग अलग कंपनियों के डिवॉर्मर आते हैं, जैसे स्काई वर्म हो गया, अपना कीव ऑफ पपी हो गया, ड्रोनटल प्लस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों ये पपी के डिवॉर्मर्स होते हैं, मतलब हम डॉग को पपी को ये देते हैं अपने। दोस्तों मैं आपको जो पर्सनली रिकमेंड करूँगा डॉग को डिवॉर्मिंग करने के लिए वो रहेगा एल्बेंडाजोल साल्ट। एल्बेंडाजोल साल्ट दोस्तों वो होता है जो हम अपने बच्चों को, मतलब जो ह्यूमन बेबी को हम देते हैं। दोस्तों मैं डॉग के डिवॉर्मर को आपको एडवाइस ना करके एक ह्यूमन डिवॉर्मर की एडवाइस इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक तो जो ये एल्बेंडाजोल है वो बहुत ही अच्छा साल्ट है, मीन अच्छा अच्छी दवाई है, और ये बहुत ही सेफ़ है। मतलब अगर हम बात करूँ मैं एक पपी डिवॉर्मर की और एक ह्यूमन डिवॉर्मर की, तो ह्यूमन जो डिवॉर्मर होता है, मतलब एल्बेंडाजोल साल्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ साल्ट है। और दूसरा दोस्तों क्या रहता है कि जो हम यूज़ करते हैं पपी डिवॉर्मर, जैसे स्काई वर्म हो गया, कीव ऑफ पपी हो गया, ड्रोनटल प्लस हो गया, इनके अंदर दोस्तों हैवी साल्ट होते हैं, हाई मात्रा के अंदर जो साल्ट रहते हैं, जैसे पायरेंटल हो गया, फेबेनेंटल हो गया, ये दोस्तों हैवी साल्ट हैं। तो हम कोशिश करें कि अपने जो पपी को इन हैवी साल्ट की आदत ना डाल करके एक एल्बेंडाजोल से शुरुआत करें, जो बहुत ही अच्छा साल्ट है। एल्बेंडाजोल में भी दोस्तों एल्बेंडाजोल के नाम से आती है, जैसे बैंडी प्लस आती है या नॉर्मल एल्बेंडाजोल के भी नाम से आ जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा बैंडी की। दोस्तों बैंडी और बैंडी प्लस के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, ये आप ध्यान दें कि दोस्तों हमें बैंडी की यूज़ करनी है, बैंडी प्लस की नहीं। मतलब दोस्तों कि बैंडी और बैंडी प्लस के अंदर डिफरेंस ये है कि बैंडी जो प्लस है उसके अंदर आइवरमेक्टिन रहता है। आइवरमेक्टिन दोस्तों डिवॉर्मर तो है अच्छा, पर जो हमारे पपी के लिए वो सेफ नहीं है, मतलब वो पपी के लिए नहीं है। तो ये ध्यान रखें, बैंडी लें अगर आप ले रहे हैं एल्बेंडाजोल में, बैंडी कंपनी का लें, बैंडी प्लस ना लें। तो दोस्तों अब बात करें हम डॉग के डिवॉर्मिंग लेने के तरीके के बारे में। दोस्तों हम जैसे हमने अपने डॉग का बॉडी वेट किया कि वो 5 किलो का था या कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब अगर कोई छोटी ब्रीड है तो वो 2 किलो की भी हो सकती है, कोई जायंट ब्रीड है वो 5-7 किलो की भी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों हमें जो डिवॉर्मिंग करनी होती है वो बॉडी वेट के हिसाब से करनी होती है। 5 अगर उसका किलो, 5 किलो बॉडी वेट है तो 5 ml, 7 किलो बॉडी वेट है तो 7 ml, मतलब इसके हिसाब से, वेट के हिसाब से हम जो है उसकी क्वांटिटी को डिवॉर्मर की घटा या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जो डिवॉर्मिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है डायरेक्ट, मतलब पपी को किसी चीज़ में आप ऐड करने की बजाय अगर उसे डिवॉर्मिंग आप डायरेक्ट उसका मतलब मुंह के अंदर उसे डायरेक्ट दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों अगर हम डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, जैसे हमने डिवॉर्मिंग की सुबह, उसकी डिवॉर्मिंग कर दी हमने फीडिंग उसको देने के 2 घंटे बाद, तो दोस्तों ये आप देख लें कि जब आपने डिवॉर्मिंग की है तो उसके 2 घंटे तक डॉग को कुछ खाने पीने को मत दें। जो हमने उसको डिवॉर्मिंग दिया है, जो दवाई दी है, कृपया उसे अपना काम करने दें। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है डिवॉर्मिंग का, डायरेक्ट उसके मुंह के अंदर अगर हम डिवॉर्म करें। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डॉग की फीडिंग के बारे में, डॉग फीडिंग। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे कृपया ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जो हम जब हम डॉग पपी लेके आते हैं, जैसे हमने डिवॉर्मिंग पहले वैक्सीनेशन की, फिर उसकी डिवॉर्मिंग की, उसके बाद हम उसकी फीडिंग शुरू करते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी हम नई फीड अगर उसे दे रहे हैं तो डॉग को हम डिवॉर्म हमें कर लेना चाहिए, फीड हम चेंज करने वाले हैं। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, जैसे हम डॉग को लेके आए हैं तो उसे डायरेक्ट हम जैसे कोई भी कंपनी की एग्जैक्ट हमने फीड ले ले, कोई भी कंपनी की, दोस्तों जैसे पेडिग्री आती है, रॉयल कैनल में आती है, पेडिग्री प्रो में भी आती है, और भी एक्सेट्रा काफ़ी सारी जो कंपनियां फीड हमें प्रोवाइड कराती हैं। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम डॉग को, जैसे हम पहले 1 वीक तक डॉग को हम सेरेलैक खिला रहे थे, तो उसके बाद हमने क्या किया कि हम उसे एक पेडिग्री प्रो पे या पेडिग्री पे ले आए, तो वो उसे एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उसे वोमिट कर रहा है। तो हमें मेरे काफ़ी कॉल आते हैं मुझे कि हमने डॉग को अब सेरेलैक दे रहे थे जो हम जहाँ से लाए हैं, हमने यहाँ पे पेडिग्री दी है बट वो वोमिट कर रहा है। तो दोस्तों उसका कारण सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका एक सबसे मेन जो कारण है वो है आप में, उसमें डॉग की कोई गलती नहीं है दोस्तों, वो गलती हमारी है। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि हम कोई भी अगर डॉग को हम फीड दे रहे हैं तो उसका एक तरीका होता है, एक मतलब एक शेड्यूल बनता है फीड का। जैसे आपको बता दूँ कि हम डॉग को एग्जाम्पल दूँ कि एक पेडिग्री दे रहे हैं, वैसे दोस्तों अगर आपके पास नॉर्मल ब्रीड है तो आप पेडिग्री, बहुत अच्छी ब्रीड है पेडिग्री प्रो, अगर दोस्तों जैसे जर्मन शेपर्ड हो गया, सैन बर्नार्ड हो गया, जो हैवी ब्रीड एक्सल साइज में है, इनको मैं रिकमेंड करूँगा रॉयल कैनल की जायंट स्टार्टर की। ये दोस्तों मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा स्टार्टर है डॉग के लिए, बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों क्या रहता है कि जैसे हम डॉग को 5 दिन तक 7 दिन तक सेरेलैक दे रहे थे और हमें उसकी डॉग जो डॉग फीड चेंज करनी है वो करनी है रॉयल कैनल की जायंट स्टार्टर या पेडिग्री, जो भी आप देना चाहें। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो तरीका है मेरा, मैं जो देता हूँ, जैसे जैसे हमने जो फीड ली वो एक्चुअली हार्ड होती है काफ़ी, जो पपी है वो उसे नहीं खा पाएगा। तो दोस्तों हमने उसे फीड को मिक्सर के अंदर, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर उसे पाउडर शेप में ले आते हैं, मतलब उसका जो पाउडर शेप उसे बना लेते हैं, पाउडर कर लेते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे सेरेलैक होता है, सेरेलैक हम उसे दे रहे थे इनकेस कि हम उसे 4 स्पून दे रहे थे, जो हम स्पून दे रहे थे या माप के, जिसमें आप माप के डॉग को खाना दे रहे थे, हम उसका जो परसेंटेज दे रहे थे वो 4 स्पून दे रहे थे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अब उसे फीड पे लाना है, मतलब पेडिग्री या रॉयल कैनल, जो भी आप देना चाहें। तो दोस्तों हम फीड चेंज करेंगे वो किस तरह से, ये सुनिएगा ध्यान से आप, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि जैसे हम 4 स्पून दे रहे थे सेरेलैक का, हमने आज से उसकी फीड चेंज करनी है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, उसका 30 से 40% हिस्सा फीड का सेरेलैक में ऐड करेंगे, या सेरेलैक या जो भी कोई फीड वो पहले खा रहा था, तो 40% उसका हम ऐड करेंगे, मतलब 60% अलग कोई पहले वाली फीड और जो न्यू फीड है वो 40%, वो 100% हो गया। तो दोस्तों 3 से 4 दिन तक हम वो चलाएंगे, उसके बाद हम जो 40% दे रहे थे दोस्तों उसको 40 से बढ़ाकर कर देंगे 60 से 70% तक, 60% तक कीजिएगा। तो दोस्तों जो हम 40 दे रहे थे 4 दिन तक, वो अगले दिन हमारी 60 से 70 में आ गई, ठीक है दोस्तों। उसके 4-5 दिन बाद हमें वो हो जाएगी 90 to 95 या 100%, ठीक है दोस्तों। मतलब अब डॉग को पहला जो हमने 30% या 40% के अंदर लाया 4 दिन में, 4 दिन से जो अगला शेड्यूल हमारा 4 दिन तक डॉग ने 40% खाया, 4 दिन के बाद हमने उसे 60% के अराउंड कर दिया, और अगले 4 दिन के बाद उसे हमें 90% से अबव या 90% to 100% भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं उसमें, तो वो कर दिया। मतलब जो डॉग हमने फीड जो दी है उसका जो चेंज करने का टाइम है वो धीरे धीरे हुआ है। मतलब अगर बात करूँ एक नॉर्मल फीड या सेरेलैक से, जो हम पहले डॉग खा रहा था और जो लास्ट तक हमने जो फीड का एक शेड्यूल बनाया है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उससे लगभग 10 से 12 दिन लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब 10 दिन के अंदर उसे फीड से, जो पुरानी वो ले रहा था सेरेलैक या जो भी फीड कर रहा था, उसे अब हम जो फीड दे रहे हैं वहाँ तक आने में 10 दिन लग जाएंगे। इससे डॉग क्या होएगा दोस्तों, इससे डॉग इजीली उसको खाएगा
उसे कोई ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई अलग से कोई अजीब चीज़ उसमें वो खाया है उसने, या फिर उसे कोई उसका जो बॉडी है जो उसकी शरीर है वो भी एक्सेप्ट करेगा, उसे भी ऐसा नहीं लगेगा कोई अलग से बाहरी चीज़ आई है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का कृपया ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है दोस्तों, फीडिंग की सावधानी दोस्तों ज़्यादा नहीं, बस यही कहूँगा कि जो शेड्यूल मैंने बनाया है या जो आपका वेट जो बताए कि जैसे पहले 30 to 40, फिर 70, अराउंड 60 to 70, फिर उसके बाद जो तीसरा शेड्यूल बनेगा वो 100% तक पहुँचेगा, मतलब 30 फिर 60 फिर 90, है ना, इस तरह से जो है अपना फीडिंग की रखें। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी हो इस वीडियो से, कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं दोस्तों जिस वीडियो में नहीं आपको बता पाया, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं किसी भी डिटेल में जाने लगूं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, राम राम।